सॉरी यानी क्षमा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं, दूसरा एक अजनबी होता है। एक्सप्लेनेशन आप उसको देते हो जिसके साथ प्रेम नहीं है। यदि प्रेम है तो अपने को समझाने की जरूरत नहीं होती, दूसरा समझ जाएगा। यदि प्रेम है तो क्षमा की आवश्यकता नहीं होती, दूसरा समझ जाएगा। प्रेम हमेशा समझता है, तो प्रेम से बढ़कर कोई नैतिकता नहीं हो सकती, ना हो सकेगी। प्रेम सर्वोच्च नियम है, लेकिन यदि वह नहीं है तो विकल्पों की आवश्यकता होती है। बाजार में एक अजनबी के पैर पर पैर पड़ जाए तो क्षमा की आवश्यकता होती है, और एक्सप्लेनेशन की भी, कि भी पैर क्यों पड़ा। आज जिस नए भारत में हम जी रहे हैं उसमें पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। इसका मतलब है कि प्रेम गायब हो गया है। इसका मतलब है कि हर कोई एक अजनबी बन गया है, कोई घर नहीं है, हर जगह एक बाजार बन गया है। ये बात पश्चिम से आई है और पूर्व पश्चिम का अनुसरण कर रहा है। पूर्व अपनी रूट्स खोता जा रहा है। यहाँ पति और पत्नी के संबंध में दूरी नहीं थी, एक अनजानापन नहीं था, इसलिए एक दूसरे को क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम अजनबी नहीं थे और दूसरा समझ सकता था। जब दूसरा समझ नहीं सकता तभी क्षमा की आवश्यकता होती है, और यदि प्रेम ही समझ नहीं सकता तो क्षमा का फायदा क्या। यदि दुनिया एक घर बन जाए तो सभी क्षमाएं गायब हो जाएंगी, सभी व्याख्याएं गायब हो जाएंगी। तुम एक्सप्लेनेशन या कहो सफाई इसलिए देते हो क्योंकि तुम दूसरे के बारे में निश्चित नहीं हो। सफाई देना एक टकराव से बचने का तरीका है, क्षमा एक उपकरण है टकराव से बचने के लिए, लेकिन टकराव वहाँ है, इसे तुम जानते हो इसलिए डरते हो। इस तरह की इंस्टाग्राम की रील्स हमें देखने को मिलती हैं जहाँ पति और पत्नी एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर रहे, और उसी के ऊपर बेस कॉमेडी रील्स बनती हैं और हम उसके ऊपर हंसते हैं। हमारा हंसना एक गहरे दुख के ऊपर है, ऊपर से मजाक लगता है लेकिन भीतर से हमने वो ट्रस्ट खो दिया है, और ट्रस्ट नहीं तो प्रेम कैसा। इस बात पर मनन और चिंतन जरूर करना। प्रणाम।